Welcome to World of Fashion and Designing. Fashion and Designing is all about dreaming. So be an eyefight, fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFA. Yes, I am an IFA. Design your future. IFA. शासन के आदेश के अनुपालन में आम जनता को त्वरित सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से आयोजित तहसील दिवस को अब संपूर्ण समाधान तहसील दिवस के नाम से लगाया जा रहा है। लेकिन तहसील दिवस में न्याय मांगने आ रहे फरियादियों की माने तो तहसील दिवस में न्याय नहीं मिल पा रहा है। सबसे ज्यादा मलपुरा थाना खा गया। क्यों खा गया, क्या है? क्योंकि मलपुरा थाने दाम चाहिए। दाम चाहिए, तुम दे नहीं पा रहे हो। मुंह पे सा दाम आते ना है। तो मामला क्या है तुम्हारा? मामला ये था कि मेरे घर को मेरे पिताजी घरेलू बंटवारा कर गए, मेरा मकान बना हुआ है। मेरे भाई को पहला पछला के झूठे बना हुआ करा ली नहीं लोगों ने। अब दबंगई से बाकी जमीन तो हटी ली, मेरी अड़पन चाह रहे हैं। तो अब क्या, अब क्या नया मामला लेके आए थे फिर तुम? अब ये लेके आए था कि मतलब ये मेरे घर में आग लगा दी, मेरे बच्चा मारे पीटे, तोड़ फोड़ दी ने। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? पुलिस ने कार्रवाई करी था, उल्टा मी मुलजिम बना दी ने। अच्छा, और जो बादशाह का घटना हुई वे संग वो घटना तो लिखी ना है। आज जब तहसील दिवस में आए थे तो बुलाया गया था दरोगा, दरोगा क्या कह रहा था? दरोगा था गजुना करो, दरोगा तो बनिए कह रहा है, कमंदो सा सही करो, गलत पाए गो जे। तो अब आपके लिए क्या आदेश किए हैं उन्होंने? आदेश नहीं कह रहे साहब, न्याय दिलवाएंगे तुम्हारे का। आप क्या चाहते हो वैसे? न्याय चाहते साहब, तो न्याय चाहते। आपके साथ क्या क्या हुआ वैसे? मेरी साथ जिंदी औरत जला दी, ठीक, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। कम से कम 20 दिन घटना मेरे साथ है गई, आज तक पुलिस ने भी रिपोर्ट नहीं लिखी। न्याय देने की पहली कड़ी पुलिस पीड़ित फरियादी को दरकिनार कर दबंग के साथ मिलकर तहसील दिवस कार्रवाई और अधिकारियों के आदेशों की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है। कहने को तो न्याय देने के लिए समय सीमा तय की गई है, लेकिन पीड़ित फरियादी तहसील दिवस की पर्चियों को लेकर परेशान है। समस्या ये है कि जिन लोगों ने सीवट डाली है जल निगम ने, वही लोग उसके लिए जांच के लिए जाते हैं। हमने कई बार उनको दिया है कि इसमें भारी घोटाला हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। जांच के लिए 2-3 बार वही लोग गए, वो कह देते हैं कि जल निगम अब उसमें जो लाइन कनेक्शन कर दिए, लेटरिंग वगैरह बाहर निकलती है, उनको कोई सुनवाई नहीं होती है। और जो वो कह देते हैं कि जल निगम में जाओ, वो कहते हैं जलकल में जाइए। जी हाँ, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो इनको जो लेटर लिखते हैं वो जल निगम वाले जाते हैं, वो कहते हैं कि वो हमने तो जो कर दिया, जो करना है जो वो ये वो देते दे। हमारे यहाँ जो है सीवर जो है बाहर निकल रही है, उन्होंने कनेक्शन कर दिया, हमने मना किया। हाँ, सीवर फैल रही है, फैलती है गंदगी भारी। हाँ, और लोगों ने उनमें मट्टी डाल दिया है, मट्टी गड्ढे बंद कर दिए लोगों ने। वहाँ पे जो है कि सीवर जो होगा ऊपर होकर निकल रहा है, गंदा जो होगा मने करते करते उन्होंने कनेक्शन के लिए जबरदस्ती की है कनेक्शन का। तहसील दिवस कार्रवाई के प्रति अधिकारियों की उदासीनता के कारण आम जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है और तहसील दिवस एक औपचारिकता बनकर रह गया है। तहसील दिवस कार्रवाई की अध्यक्षता कर रहे एडीएम सिटी केपी सिंह कुछ यही बयां कर रहे हैं। नहीं, शिकायतकर्ताओं की शिकायत का निस्तारण भी होता है, और अभी ये आए थे हमारे पास, इनके द्वारा ये शिकायत की गई थी कि जिस विभाग के खिलाफ इन्होंने आरोप लगाया है पूर्व में उन्हीं से जांच करा दी गई है। तो इनकी बात को गंभीरता से लेते हुए अब की बार जो तहसीलदार सदर हैं उनको शिकायत के निस्तारण के लिए कहा गया है। इनका जो शिकायत है उसमें इनके द्वारा कहा गया है कि जो पाइपलाइन वगैरह डाली गई हैं उसमें घोटाले और अनियमितताएँ हुई हैं, तो बृहद स्तर की जाँच अपेक्षित है। तो तहसीलदार साहब इसका स्थलीय मुआयना कर लेंगे, अगर यदि ये जो बात कह रहे हैं जहाँ पर जो पाइपलाइन वगैरह डाली गई उस विभाग से बात भी कर लेंगे। अगर इसके बाद लगता है कि कोई इस तरह की गंभीर प्रगति की शिकायत है कि जिसमें घोटाला या अनियमितताएँ हुई हैं, तो फिर उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। नहीं देखिए, अगर कोई व्यक्तिगत शिकायत या कोई उस तरह का ग्रीवांश है वो तो आदमी तत्काल अवगत करा देता है। ये एक सामूहिक और एक बड़ी सी एक चीज़ एक बता रहे हैं, तो उसमें इस विभाग द्वारा क्या आख्या दी गई है उसे भी देखना इम्पोर्टेंट है, उसका भी दिखवाया जा रहा है। कई बार ये होता है कि शिकायतकर्ताओं की शिकायत इस प्रगति की होती है कि जिस पे एक जब तक या उसकी आवश्यकता है बृहद जांच की, या आरोप सिर्फ ये है कि आरोप प्रत्यारोप के तौर पे लगाए जा रहे हैं, तो ये चीज़ भी देखना जरूरी होता है। क्योंकि तहसील दिवस में शिकायतों का गुणवत्ता परक निस्तारण महत्वपूर्ण होता है कि जिसमें कम से कम जो आदमी आया है
उसकी शिकायत का निस्तारण हो। ये व्यक्तिगत एक्रीव नहीं है, बट गांव की एक व्यवस्था को लेकर इनके द्वारा शिकायत की गई। तहसील दिवस शुरू होने से जनता में जागरूकता आई है और जनहित में लोग सरकारी जमीनों पर किए जा रहे अवैध कब्जों और सरकारी विभागों की अनियमितताओं को दूर करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई न होने से जनता मायूस है। मैं समस्या लेके आया हूँ साहब, एक गांव का दबंग आदमी सरकारी जमीन पर आज से 17 वर्ष से कब्जा किए हुए है, जो तहसीलदार साहब के यहाँ से कोर्ट से हारा, जिला अधिकारी के यहाँ से हारा, इसके बाद मुंसिफ के यहाँ से हारा, इसके बाद ADJ 11 के यहाँ से हारा, और सारे कोर्टों ने आदेश किए कि अविलंब सरकारी जमीन को खाली कराया जाए, लेकिन उस सरकारी जमीन में उसने पहले से 3 गुना कब्जा कर लिया। जो सरकारी रास्ता था उसके पास जो का 1100 वर्ग मीटर खाता संख्या नंबर 261 में जमीन थी, उसने 1700 मीटर जगह रास्ता की उसमें ऐड कर ली, जोड़ ली, और 950 मीटर जगह खाद के गड्ढे उसको उसमें ऐड कर लिया। ये ग्राम खेड़ा पचगाई तहसील सदर आगरा का। मैं गांव दैतोरा से आया हूं और मैं सैकड़ों बार तहसील दिवस में और थाना दिवस में अपनी शिकायत दे चुका हूं। गांव दैतोरा में चक्रोड संख्या 293 पर दबंग भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, और जब भी लेखपाल जाते हैं या तहसील से कोई व्यक्ति जाता है, एक नया मकान और खड़ा चक्रोड में करवा जाते हैं और कहते हैं कि उन पर तो रजिस्ट्रियाँ हैं। हमने कहा कि रजिस्ट्रियाँ हैं तो भूमाफिया ने जब जमीन बेच दी तो उस भूमाफिया के खिलाफ क्यों नहीं शिकायत करते हो, और उस चक्रोड को खाली नहीं करा रही है तहसील के कर्मचारी कोई भी। हमने तहसीलदार साहब से भी मिले, आज मैं फिर तहसील दिवस में आया हूँ और मैंने शिकायत की है, तो ADM सिटी साहब ने मैडम SDM साहब को रिकमेंड किया है और उन्होंने कहा है कि मैं स्वयं देखूंगा। सरकारें भले ही बदल गई हों, लेकिन जनमानस को न्याय देने की प्रक्रिया में बदलाव नहीं आ रहा है। तहसील दिवस का लाभ पीड़ितों को मिलता दिखाई नहीं देता। 7A न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।